हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक लार्ज कैप कंपनी बताऊंगा, वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बताऊंगा, जिसमें आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हो। इस कंपनी का प्रोडक्ट फ्रेंड्स हम सभी लोग यूज करते हैं, तो मेरा मानना है कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं उसमें तो पैसा लगाना ही चाहिए। तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाइए। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन भी दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं इसका हाफ ईयरली रिजल्ट देख लेता हूं, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर वह इस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनकी प्रोडक्ट अच्छे हैं, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और जब कोई कंपनी वाई अच्छा रिजल्ट पेश करती है तो ही फिर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देता है। आप लोग क्वालिटी ही कंपनी में पैसा लगाओ भाई, मैं बार बार बोलता हूँ अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ, फिर भी आप लोग मानते नहीं हो और इधर उधर के शेयर खरीद के रख लेते हो और बोलते हो मेरा पैसा नहीं बन रहा है। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर मार्च 17 में था वो 15,919.13 था, मार्च 17 में 15,919.13 था, और मार्च 19 में देख लो भाई 19,503 हो चुका है। तो देख सकते हो इसका नेट सेल बहुत ही बढ़िया है, हाफ ईयरली 15,919 से 19,503 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो टोटल इनकम था वो 16,084.71 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 19,727 हो चुका है। तो मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 3,006.49 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 4,367 हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो एबिटा था वो 3,172.07 था मार्च 17 में 3,172.07 था, और मार्च 19 में देख लो भाई 4,591 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है, 3,172 से 4,591 हो चुका है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस ये देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 2,068.51 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 3,115 हो चुका है। तो ये भी शानदार है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर भी। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो रिपोर्टेड पैट था वो 2,220.50 था मार्च 17 में 2,220.50 था, और मार्च 19 में देख लो 2,982 हो चुका है। तो मुझे इसका हाफ ईयर रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। मैं जितनी तारीफ को फ्रेंड वो कम ही होगा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ, पहले आप हाफ ईयरली रिजल्ट देख रहे थे। तो देखो, मार्च 15 में जो नेट सेल था वो 30,805.62 था मार्च 15 में 30,805.62 था, और मार्च 19 में देख लो भाई 38,224 हो चुका है। और किसी भी ईयर में इसका नेट सेल नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो टोटल इनकम था वो 31,424.01 था मार्च 15 में 31,424.01 था, और मार्च 19 में देख लो भाई 38,888 हो चुका है। तो मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 5,208.24 था मार्च 15 में 5,208.24 था,
और मार्च 18 में देख लो भाई 8,637 हो चुका है, तो देख सकते हो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया है और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टीयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 5,826.63 था, मार्च 15 में 5,826.63 था, और मार्च 19 में देख लो भाई 9,301 हो चुका है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ये टीयर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस से देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर इसका शानदार है ईयर टीयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 3,650.96 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 6,263 हो चुका है। तो ये भी शानदार है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर भी, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टीयर वाइज। मार्च 15 में जो पैट था वो 4,315.26 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 6,036 हो चुका है। तो ये भी शानदार है भाई रिपोर्टेड पैट भी। एनुअल ईपीएस देख लो, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है ईयर टीयर वाइज। मार्च 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 19.95 था, मार्च 15 में 19.95 था, और मार्च 19 में देख लो भाई 27.94 हो चुका है। तो मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ भाई, आपको ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है और आपका पैसा भी सेफ रहेगा। आप सभी लोगों को पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना ही चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। एचयूएल का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इस कंपनी की स्थापना की गई थी 1933 में की गई थी। पहले फ्रेंड मैं इस कंपनी पे कई बार वीडियो बना चुका हूँ, अगर मैं 300 से ऊपर वीडियो बनाया तो उसमें फ्रेंड मैं 25-30 वीडियो तो एचयूएल में ही बनाया हूँ। तो आप लोग भाई इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए। इनकी प्रोडक्ट जब खरीदते हो, डेली यूज करते हो, तो भैया शेयर भी खरीद के रख लो। मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ फिर भी आपके पोर्टफोलियो में एचयूएल का शेयर नहीं होता है, बजाज फाइनेंस का शेयर नहीं होता है, आईसीआईसी लोमार्ट का शेयर नहीं होता है, टाइटन का शेयर नहीं होता है। आप लोग इन कंपनियों में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहते हो? क्या आपको पैसा बनाने का दिल नहीं करता है क्या? एचयूएल का आपको मैं कुछ ब्रांड यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो भैया मैं यहाँ पे ब्रांड में गया तो होम केयर में आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे होम केयर में कम्फर्ट, एक्टिव व्हील, टू इन वन, डोमेक्स, सनलाइट, वीम, सर्फ एक्सल, रीन, ये सब भाई प्रोडक्ट खरीदते हो ना आप लोग, तो भैया शेयर भी खरीद लो। एचयूएल का और भी मैं आपको कुछ फेमस ब्रांड यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो भैया अब मैं पर्सनल केयर में देख लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे डव, आप सभी लोग भाई डव को तो जानती होंगे, खास करके लेडीज लोग का मैं बात कर रहा हूँ। लाइफ बॉय, लक्स, पॉन्ड्स, सनसिल्क, वैसलिन, फेयर एंड लवली, इसको भाई कौन नहीं जानता होगा, लक्मी, पियर्स, और भी मैं आपको ब्रांड दिखा दे रहा हूँ फूड एंड रिफ्रेशमेंट में। यहाँ पे देख सकती हूँ रेड लेबल, ताजा, ताजमहल, ये सब इनके फेमस ब्रांड है भाई, अन्नपूर्णा। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए भाई, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आप लोग को, 1100 रुपये से मैं बताते आ रहा हूँ। और अभी ये स्टॉक देख लो 1850 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो खरीदिए, 1750 के प्राइस में मिलता है तो भाई खरीद लेना। एचयूएल अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आप स्क्रीन पे, 10 साल में कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है भाई, और आगे भी रिटर्न बना के देगा। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 634.23% रिटर्न है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। सेंसेक्स का रिटर्न है वो 161.59% रिटर्न है। 3 साल में देख लो, 3 साल में कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, देख सकते हो 105% रिटर्न है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा 3 साल में। सेंसेक्स का रिटर्न है वो 46.31% रिटर्न है। 1 ईयर में रिटर्न है वो 15.07% रिटर्न है। सेंसेक्स का रिटर्न 11.47% रिटर्न है। ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट में रिटर्न है 1.35% रिटर्न है। सेंसेक्स का रिटर्न 9.57% रिटर्न है। 1 मंथ में देख लो भाई, 1 मंथ में रिटर्न है 8.73% रिटर्न है। सेंसेक्स का रिटर्न है 3.27% रिटर्न है। 1 वीक में देख लो, 1 वीक में रिटर्न 3.32% रिटर्न है। सेंसेक्स का रिटर्न है -0.76% रिटर्न है। 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में रिटर्न है 0.30% रिटर्न है। तो भैया आप लोग अपने पोर्टफोलियो में हिंदुस्तान युनिलिवर को जगह दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए।
अगर आप 15 से 20 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो भाई, तो एचयूएल का शेयर होना ही चाहिए। एचयूएल का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 67.19% होल्डिंग है, एफआईएस का जो होल्डिंग है एचयूएल में 11.83% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है 2.14% होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है 4.3% होल्डिंग है, अदर डीए पर जो होल्डिंग है 0.59% होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है भाई वो 13.95% होल्डिंग है, कोई भी शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है भाई। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एचयूएल का। पी रेशियो है एचयूएल का वो 64.16 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है एचयूएल का वो 51.91 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया है, 1.14% का डिविडेंड यील्ड है, आरओसी लेटेस्ट देख लो 634.82% का आरओसी लेटेस्ट है, आरओई देख लो 80.91% का, तो मुझे इसका डिविडेंड यील्ड आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है भाई, मैं जितनी तारीफ करूं वो कम ही होगा। वैल्यूएशन यहां पे देख सकते हो वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। एचयूएल का जो भाई फेयर वैल्यूएशन होगा वो 900 से 1047 के बीच फेयर वैल्यूएशन होगा, जो कि फ्रेंड कभी भी नहीं आने वाला। आप लोग अगर खरीदना चाहते हो तो 1750 के प्राइस पे खरीद सकते हो। क्वालिटी देख लो भाई एक्सलेंट बता रहा है। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो 6.41% का है, एबिट ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो 13.99% का है। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा भाई। धन्यवाद।